Hello friends, welcome to iExamWee. In this video, we are going to discuss some important concept relating to Transfer of Property Act 1882. And out of this subject, which is actually very important for all legal examinations, competitive examinations, banking examinations, and out of that, the topic for discussion in this video that has been chosen is mortgage. Mortgage is very important topic, and out of that, two very important rights, that is right to redemption and right to foreclosure and sale. We are going to discuss about these two important rights relating to the transaction of mortgage of an immovable property. Friends, we are going to discuss about these two rights, and also कई बार कुछ लोगों को confusions होते हैं relating to what is right to redemption and what is right to foreclosure, और ये दोनों rights किसके होते हैं. जैसे mortgage का जब हम concept समझेंगे आगे के slides में, हमें ये समझ आएगा कि right to redemption किस पार्टी का होता है और राइट टू फोरक्लोजर एंड सेल किस पार्टी का होता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं. स्टार्ट करते हैं मॉर्गेजेस के कंसेप्ट से. मॉर्गेजेस आर ऑलवेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन दैट इज़ वेरी क्लियर. जब हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टॉक्स अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, उसमें भी चैप्टर 4 basically deals with mortgages along with charges. So mortgages sections, you should always remember the range of sections and the chapters of such important topics. 58 से लेके 99 तक सारे provisions immovable property mortgages से related है TP Act के under. Okay, moving ahead. पहले हम लोग मॉर्गेजेस का कंसेप्ट समझ लेते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज टू राइट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सेक्शन 58. सेक्शन 58 डिफाइंस मॉर्गेज. दीज आर द की पॉइंट्स और वी कैन से द इंग्रेडिएंट्स. फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू गिव यू अ टेक्निक फॉर रीडिंग एनी काइंड ऑफ लॉ. ऑलवेज ब्रेक द सेक्शन इंटू सच काइंड ऑफ अ फॉर्मैट into keywords and always read it as per the ingredients. That will always make your concepts clearer and give you a better understanding. और अगर आप कोई exams के लिए prepare कर रहे हैं, moreover competitive exams के लिए, तो इस तरीके से पढ़ाई करने में आपको काफ़ी help होगी. This is a short tip from my side. Getting back to the concept. मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट. यू आर नॉट सेलिंग योर प्रॉपर्टी, बट यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग योर इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड दैट इंटरेस्ट यू आर ट्रांसफरिंग फॉर वॉट पर्पज, दैट इज स्पेसिफाइड ओवर योर. पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग दैट स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इज टू सिक्योर सम पेमेंट ऑफ मनी. दैट मीन्स इफ यू आर टेकिंग सपोज अ लोन, देन फॉर सिक्योरिटी इफ समबडी इज लेंडिंग यू हिज मनी, देन वॉट आर यू गिविंग हिम इन रिटर्न एज अ सिक्योरिटी. अगर आप उससे पैसे लेते हो लोन पे, कॉमन एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा, तो वो इंसान जिससे आप पैसे ले रहे हो उधार, उसे आप क्या सिक्योरिटी दोगे? दैट सिक्योरिटी यू कैन गिव इन द फॉर्म ऑफ योर इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड दैट इज एक्चुअली नोन एज मॉर्गेज. सिंपल कंसेप्ट है. वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व मैनी मॉर्गेजेस इन आर डे टू डे लाइफ ट्रांजेक्शन्स, एंड दिस इज जस्ट that has been worded in the form of text of law. So securing payment of money, and that can be the money can be advanced by way of loan, that can be an existing or a future debt as well, or for performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability. That means
द डेप्थ कैन बी फ्यूचर ऑल्सो एंड एडिंग टू दैट दैट कैन बी अ परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट इन द फ्यूचर विच मे गिव राइज टू अ पिक्यूनियरी लाइबिलिटी दैट मीन्स अ मॉनिटरी लाइबिलिटी इज गोइंग टू अराइज इन द फ्यूचर. तो उस लाइबिलिटी को सिक्योर करने के लिए आप पेमेंट ऑफ मनी जो है उसके लिए आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं इफ यू आर पोजेसिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो दिस इज जस्ट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मॉर्गेज. एंड यस, वन थिंग दैट वॉज लेफ्ट आउट इज दैट द पिक्यूनियरी लाइबिलिटी वॉज शैल बी फॉर द सेम मैटर एंड द सेम रिलीफ ओनली दैट इज गोइंग टू अराइज इन द फ्यूचर. तो मॉर्गेजेस ये क्लियर हो जाता है दैट मॉर्गेजेस कैन बी फॉर एग्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचर डेब्ट्स ऑल्सो एंड द पर्पस ऑफ मॉर्गेज इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ द मनी दैट यू हैव बोरोड इन शॉर्ट इज द कंसेप्ट ऑफ मॉर्गेज. मूविंग अहेड टू द टॉपिक ऑफ आर डिस्कशन, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर आर टू parties in a mortgage transaction. One is the mortgagee, other is the mortgager. Mortgager is the one who possesses an interest in his immovable property and he transfers that particular interest to the mortgagee because mortgagee has lent him some amount of money and for securing that amount of money, mortgager transfers his interest in the property. Simple hai. I hope this is very clear. The basic concept of mortgage, who does what, because many people have confusions, mortgager kaun hai, mortgagee kaun hai. Agar aapko ye nahi samajh mein aayega to aapko rights, liabilities, jo bhi chapter 4 mein discuss kiya gaya hai transfer of property act ki, you will not be able to understand and will get confused in all the concepts. Is it clear? Mortgagee is the one who lends money. Mortgager is the one who transfers his interest in return for securing that payment of money. And that interest should be in an immovable property. Now, coming to the main topic of discussion, that is right to redemption, right to foreclosure and sale. These two rights are very important. And right to redeem is provided under Section 60. Section numbers as well are important for these rights. Right to foreclose and sale has been discussed in Section 67. Yaad rakh lena hai, ab se 60 aur 67 ko mark kar lijiye. Is video ko dekhne ke baad, aapne books se, Bare Act se padhiye aur samjhiye. And agar aapko koi aur doubts hai, you can get back in the comment sections anytime. Then we can come up with more explanations relating to such kind of queries. Now, right to redemption. Right to redemption is the right that is of the mortgager. Keep this in your mind, fit it in your mind that right to redemption is a right of the mortgager. Mortgager kaun hai? The one who transfers his interest. Remember, he is transferring his interest in the immovable property for certain purpose. Remember, he is transferring that interest for a certain purpose. And when that purpose is done, then what will be the consequences? That will be clear from this right. At any time after the principal money has become due to the mortgager. What is the principal money here? Principal money is the money that he has borrowed from the mortgagee. After that money has become due to the mortgager, mortgager has a right on payment or tender at a proper time and place of the mortgage money to require the mortgagee to do what? To deliver to the mortgager the mortgage deed and all the documents relating to the mortgage property which are in the possession or power of the mortgagee. सिंपल कंसेप्ट है रिडिम्शन का कि अगर आपका मॉर्गेज मनी ड्यू हो गया है, इट्स टाइम टू रीपे द मनी बैक टू द मॉर्गेजी. एट दैट टाइम व्हेन ही पेज दैट मनी, देन ऑब्वियसली द मॉर्गेजी हैज टू रिटर्न
ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द मॉर्गेजर विच ही हैड प्रोवाइडेड अर्लियर फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी. अब वो सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मॉर्गेजर ने सारा मनी जो बोरो किया था वो रिटर्न कर दिया है. सो द मॉर्गेजी हैज़ टू रिटर्न बैक ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी विच आर इन हिज पोजेशन. ही हैज़ टू वेयर द मॉर्गेजी इज इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इट्सेल्फ. देर आर वेरियस काइंड ऑफ मॉर्गेजेस आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो अगर प्रॉपर्टी पोजेशन में ली है मॉर्गेजी ने सो ही हैज टू डिलीवर बैक द पोजेशन देयर ऑफ टू द मॉर्गेजर एंड एट द कॉस्ट ऑफ द मॉर्गेजर ही हैज टू इधर रीट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू हिम और टू एनी थर्ड पर्सन एज द मॉर्गेजर में डायरेक्ट. मॉर्गेजर ये भी कर सकता है कि ही कैन ऑल्सो डायरेक्ट रीट्रांसफर ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू हिम और टू एनी थर्ड पर्सन. अगर सपोज उसने किसी थर्ड पार्टी से पैसे लेके मॉर्गेज मनी पे किया होगा तो ही मे ऑल्सो डायरेक्ट द प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर टू द थर्ड पर्सन. सिंपल कंसेप्ट है. नो अदर डाउट्स शुड बी देयर. रिडिम्शन इज वॉट. बेसिकली मॉर्गेजर विल गेट बैक वॉट एवर इंटरेस्ट ही हैड ट्रांसफर्ड टू द मॉर्गेजी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ मनी आफ्टर ही हैज रीपेड दैट मनी. दिस इज इम्पॉर्टेंट. सिंपल कंसेप्ट. राइट टू रिडिम्शन इज द वन विच बिलोंग्स टू द मॉर्गेजर एंड ऑल्सो ही मे एग्जीक्यूट वेयर द मॉर्गेज हैज बीन इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट. सपोज दिस वन पॉइंट यू शुड रिमेंबर विच इज अ पार्ट ऑफ द सेम राइट. देन ही विल हैव रजिस्टर्ड एन एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग दैट एनी राइट इन डीरोगेशन ऑफ हिज इंटरेस्ट दैट इज ट्रांसफर्ड टू द मॉर्गेजी हैज नाउ बीन एक्सटिंग्विश्ड. Basically, that right now no longer exists because he has repaid his loan. So, redemption is sort of getting back whatever he has transferred in the form of his interest. Clear? Now, we can move ahead with the next right, that is right to foreclose and sale. Now, this right to foreclosure and sale is the right which belongs to the mortgagee. Like that right we have discussed for the mortgager, this right belongs to the mortgagee. In the absence of a contract to the contrary, with this line we are starting this section, subjected to any other contract, general clause is that the mortgagee has at any time after the mortgage money has become due to him. This is similar condition for both the rights that we have discussed. That and also one more addition in this right is that a decree has been made for the redemption of the mortgaged property. If suppose a decree of redemption has made, then or else the mortgage money has become due to the mortgagee, the mortgage money has been paid or deposited as hereinafter provided. All these are the conditions with which this particular section starts. If the mortgage money has become due, if the decree has been made for redemption of the mortgage property or the mortgage money has been paid or deposited as hereinafter provided, then the right to obtain the decree from the court or the mortgager shall be absolutely barred of his right to redeem the property. Obviously, if the mortgage money has become due, then the mortgager shall and he has not repaid back the money, then what will happen? The mortgagee will get the right to obtain a decree from the court and the mortgager will be debarred of his right for redemption, getting back his interest that we discussed in the previous section, section 60, or he can get a decree that the property be sold. This is what is right to foreclose and sale. That means mortgager jo hai, uske redemption ke rights chale jayenge क्योंकि उसने मनी नहीं पे किया है और वो प्रॉपर्टी जो मॉर्गेजर के मॉर्गेजी के पोजेशन में है या नहीं है या जो भी इंटरेस्ट मॉर्गेजी के पास है उसके लिए मॉर्गेजी कैन गेट अ राइट टू ऑब्टेन अ डिक्री फ्रॉम द कोर्ट फॉर फोरक्लोजर और ही कैन गेट द प्रॉपर्टी सोल्ड. सो दीज टू राइट्स आर द वंस विच आर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द मॉर्गेजी. वी कैन से earlier right we have seen from the angle of mortgager, but agar mortgager paise nahi deta hai, he is not
ही इज एब्सोल्यूटली बार्ड फ्रॉम हिज राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी एंड द राइट ऑफ मॉर्गेजी इनिशिएट्स. ही कैन फाइल अ सूट फॉर फोरक्लोजर एंड सेल. ही कैन कैरी आउट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ. ही नीड्स टू गेट अ डिग्री फॉर दैट एंड दैट पर्टिकुलर सूट टू ऑब्टेन अ डिग्री इज नोन एज द इज नोन एज अ सूट फॉर फोरक्लोजर. सिंपल है. वी हैव अंडरस्टूड दीज टू इम्पॉर्टेंट राइट्स एंड द कंसेप्ट ऑफ मॉर्गेज इन शॉर्ट इन दिस वीडियो. वील बी कमिंग अप विथ मोर सच काइंड ऑफ कंटेंट रिलेटेड वीडियोज एंड क्वेश्चंस एंड क्वेरीज दैट आर देयर इन द माइंड्स ऑफ लॉ स्टूडेंट्स. यू कैन ऑल्सो कम अप विद योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन ऑन आवर यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल्सो फॉर योर इंफॉर्मेशन एट आई एग्जाम वी प्रोवाइड coaching for all kinds of courses, not only legal but also for other competitive exams, banking exams. And right now, as Independence Day is near, we are having our ongoing offers that you can see on the screen. Not only these two but also on other various courses for which you can go to our website and have an access to all the information relating to our discounts on the running courses. Let me introduce you to the legal faculty that we have at our iExamB, who are going to guide you for all the legal subjects and also provide you with live class sessions and doubt clarifying sessions and what not at iExamB relating to legal courses and also to other courses. So you can subscribe to our YouTube channel and also visit the website for more info. Thank you.